प्रदूषण अति खराब स्थिति रे रही आज दिल्लीर वायु गुणवत्ता सूचक बा एक्यूआई रो सामान्य उन्नति होइथिले मध्य स्थिति उद्वेगजनक रही आज दिल्ली रे एक्यूआई 382 रेकर्ड होइछि घन कुहुडी रे आच्छादित होइछि रास्ताघाट दिनर सृष्टि होइछि रातिर भ्रम निश्वास प्रश्वास नेबार असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति लोके विशेष करी वृद्ध गुरुतर असुस्थ ओ छोट पिलांक समस्या बढ़ी जाइछि सेमानकु जत्नवान हेबाकु परामर्श देइछन्ति विशेषज्ञ जरूरी काम नथिले घर न बाहरि पाकु परामर्श दिया जाइछि अन्यपटे जमुना नदी में मध्य कमुना फेण यार जल एत मात्र प्रदूषित हो नदी सारा फेण भासुच्छे वर्तमान स्थित जमुना न जावाक बारण कर दिल्ली प्रशासन कूलर पॉल्यूशन तो है ही साथ साथ जो साथ में हरियाणा और यूपी में जो फायर फार्म्स होती हैं आई थिंक दैट इज द मेन रीजन देखिए कैंपेन तो अच्छा है लेकिन आई डोंट थिंक दैट विल बी मच इफेक्टिव ऑन ग्राउंड आई थिंक लोगों को अब आदत पड़ गई है दिल्ली में रहते हुए इसको आप ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है इसको अवॉइड नहीं कर सकते हाँ ये है कि प्रिकॉशंस ले सकते हैं बफ पहन सकते हैं मास्क पहन सकते हैं टाइम टू टाइम कीप ड्रिंकिंग वाटर एज अ इंडिविजुअल मैं जो अपनी तरफ से कर सकती हूँ हम ट्राई कर रहे हैं लाइक कार पूलिंग या फिर नॉट बर्निंग क्रैकर्स वी डिडंट बर्न क्रैकर्स आल्सो दिस ईयर और पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूशन है दिल्ली जैसे एरिया के अंदर और दिवाली के बाद में तो हमेशा ही हो जाता है अब की बार भी उतना ही हुआ है जितना पहले था कोर्ट ने भी चैलेंज किया है सरकारों ने भी कहा है और अन्य एजेंसियों ने भी बोला है कि पॉल्यूशन कम करो लेकिन करता कोई नहीं है सूर्य की उपासना के पर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और आज डूबते सूरज की पूजा की जाएगी सूर्य की उपासना की जाएगी आस्था का ये पर्व है और यमुना का महत्व ऐसे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो छठ व्रती होते हैं वो यमुना में डुबकी लगाकर अपनी पूजा करते हैं सूर्य की उपासना करते हैं और इस वक्त हम कालिंदी कुंज के घाट पर खड़े हुए हैं जहां आप यमुना की तस्वीर देख रहे होंगे जहां पानी ना के बराबर है और सिर्फ अमोनिया के झाग ही झाग नजर आ रहे हैं जहरीला ये पूरा पानी है लेकिन मजबूरी ये है दिल्ली वालों के पास कि यमुना नदी के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है इस जहरीले पानी के अंदर ही डुबकी लगाकर उन्हें सूर्य की उपासना करनी पड़ती है और अगर आप यहां पर देखें तो पूरा सफेद झाग से ये पूरा पटा पड़ा है झाग ही झाग यहाँ सिर्फ दिखाई दे रहे हैं लेकिन जो छठ व्रती हैं जिन्हें पूजा करनी है वो खुद अपने घाट यहाँ पर तैयार कर रहे हैं सरकार का कहना है कि उन्होंने 800 के करीब घाट बनाए हैं लेकिन तैयारी अगर आप यहाँ पर देखें तो ना के बराबर है जो प्रदूषण है जो पॉल्यूशन है वो भी आपको करनी पड़ती है कुछ लोग हैं जो घाट यहाँ पर तैयार कर रहे हैं उनसे बात करेंगे ये बताइए कि क्या नाम क्या है आपका कृष्ण कुमार अच्छा तो हर साल आप पूजा करने आते हैं यहाँ पे पिछले साल तो नहीं आए थे अच्छा तो यहाँ पे तो पानी में इतना अमोनिया इतना जहरीला कैसे करेंगे पूजा हमारे उधर तो जगह भी तो नहीं है ना तो इसे यहाँ आना पड़ता है अच्छा तो ये आप मैंने देखा आप लोग खुद साफ कर रहे थे सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया नहीं मैम सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया है बस जिस दिन नहाए खाया था उस दिन तो वो एक बिहार का सुपर हीरो वो आया था तो उसने हल्का फुल्का साफ करवाया था बस अच्छा तो मजबूरी ये है कि करना पड़ता है क्योंकि आस्था का विषय है और उसको छोड़ा नहीं जा सकता तो मजबूरी के कारण उन्हें इस जहरीले पानी में भी डुबकी लगाकर अपनी पूजा अर्चना करनी पड़ती है पीछे तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगी कि और भी लोग हैं जो घाट तैयार कर रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे हालांकि सरकार की तरफ से यहां पर वोट लगाई गई है जो यमुना नदी का झाग है उसे सफाई करवाने का काम किया जा रहा है आप पीछे भी देखें तो सफाई का काम यहां पर किया जा रहा है लेकिन खुद जो लोग पूजा करते हैं वो अपने घाट तैयार कर रहे हैं यहां पर भैया आप ये घाट खुद से तैयार कर रहे हैं या सरकार की तरफ से कुछ तैयारी दिख रही है आपको यहां पर हम खुद तैयार कर रहे हैं जी तो सरकार ने कुछ नहीं किया अभी तक कुछ नहीं किया जी तो इतना गंदा पानी है कितनी मजबूरी में यहाँ पे आप लोगों को पूजा करनी पड़ रही है जी बहुत मजबूरी है काफी मजबूरी है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें घाट भी नहीं मिल रहा है एक तो अच्छा। गंदगी वैसे बहुत सारी है यहाँ पे तो यहाँ पे घाट भी नहीं मिल रहे हैं और मजबूरी है कि खुद ही तैयार करना पड़ रहा है और एक छोटा सा बच्चा भी है जो यहाँ पर है और उसके साथ एक भैया भी है उनसे भी बात करेंगे भैया आप बताइए आप तैयारी कर रहे हैं छठ पूजा की और पानी इतना गंदा है कैसे करेंगे पूजा मैम हर साल यही पानी में करना पड़ता है अच्छा। इस साल भी यही पानी में कर रहे हैं हम तो इतना जहरीला पानी है तो तमाम तरीके की बीमारियां होने का डर है क्या करें मैम हर साल तो यही इसी पानी में होता है
हम लोग को तो करना ही नहीं है, इसी पानी में हम लोग हर साल करते हैं, इस बार भी इसी पानी में करते हैं। मजबूरी ये है छठ व्रतियों की कि उन्हें इस जहरीले पानी में खड़े होकर ही सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना।